सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28e डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस एक ऐसी सेटिंग्स है जिसमें एक छोटी सी स्क्रीन क्रिएट होती है, जिस तरह से मिनी स्क्रीन होता है ये फ्लोटिंग विंडो होता है। इसमें ड्रैग करके भी एप्लीकेशंस को ओपन करके रन किया जा सकता है एंड ये फुल्ली कस्टमाइजेबल भी है। एक बार छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं इस फ्लोटिंग विंडो सेटिंग का एक्सेस कैसे करते हैं। गाइस फोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो का एक्सेस आउट करने के लिए हमें किसी सेटिंग्स वगैरह को ओपन नहीं करना है। हालांकि फ्लोटिंग विंडो का सेटिंग्स आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी सेटिंग के अंदर मिल भी जाता है, बट उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी किस तरीके से इसको एक्सेस करना है, तो उसे मैं खुद ही बता देता हूँ, तो आपको उसे रीड करने की जरूरत नहीं है। अपने रिसेंट ऐप पर जाना है, जो अपने बैकग्राउंड एप्लीकेशन देखने को मिल रही है ये रन करके छोड़ देते हैं। यहीं पर जाना, थ्री डॉट पर जाना, इस तरह से स्मॉल विंडो का ऑप्शन मिलेगा। ये जो एरो आपको दिख रही है ना, सभी ऐप्स के साथ है और ये सभी ऐप पर काम नहीं करता, इसका भी ध्यान रखना। थर्ड पार्टी ऐप्स के अलावा ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन और हैं जो बाय डिफॉल्ट भी होती हैं, उन पर भी ये काम करता है। जस्ट आप स्मॉल विंडो पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो क्रिएट हो जाएगी और इसी का नाम है फ्लोटिंग विंडो। और प्रॉपर ये कस्टमाइजेबल है, मूव हो जाता है किधर भी करना है। रीसाइज आप इसको कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज भी यहाँ से कर सकते हैं। वापस दोबारा रन करना है तो एक बार प्रेस कर देंगे, ये वापस आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको एक्सेस आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन में इसको करना तो यहीं से आप इसको प्रेस करके फुल स्क्रीन में भी चला सकते हैं। तो ऐसे करके आपने फोन के अंदर फ्लोटिंग विंडो का एक्सेस कर सकते हैं। आई होप समझोगे कैसे करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, सो कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।